बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का क्या केस है ये देखें। बकरी जो है ये कौन सी बीमारी है, इसकी क्या क्या अलामत हैं, इसका क्या प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है, इसके लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो काबिल इस्तेमाल है जिससे इसको अफाका होगा, ये सारी बातें आप इस वीडियो में देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये जो बकरी है इसको 24 घंटे हो गए हैं इसने कुछ नहीं खाया। किसी ने इनको मेरे क्लिनिक का पता बताया तो ये मेरे पास केस लेके आए। ये सारा कुछ जो है यहाँ आके मैंने इसकी अच्छी तरह एग्जामिनेशन, ये देखें वो की है, पैडलिंग ऑफ दी लेग्स, ये देखें टांगे किस तरह जो है ये अपनी घुमा रही है, उसकी मूवमेंट जो है अनकंट्रोलेबल मूवमेंट जो है, इसके जो कान हैं वो बिल्कुल ड्रॉप कर गए हैं, कान बिल्कुल नीचे गिर गए हैं, एक साइड की जो बनाई है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ब्लाइंडनेस, नो ब्लिंकिंग। और अगर हम इसका मुंह खोलने की कोशिश करें, इसका माउथ, तो वो भी नहीं खोलेगा। कंजक्टिवा देखें ये भी ठीक नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और माउथ से जो है वो रोपी सैलिवेशन, ये देखें बड़ी मुश्किल से मुंह जितना खोला है। और इसका टम्परेचर अगर देखें, ज़बान से महसूस हो रहा है कि टम्परेचर इसको अब नहीं है क्योंकि इसने बिल्कुल कुछ खाया पिया नहीं है। ये देखें अपना हेड जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, ये देखें किस तरह इसकी जो है इनकोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट, इसको अगर उठाने की कोशिश करेंगे खड़ा करने की तो ये खड़ा भी नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही है। ये देखें जी इसको अगर हम खड़ा करने की कोशिश करें तो नाज़रीन ये जो बीमारी है ये शॉक में चली गई है समझ लें बकरी, मिनिनजाइटिस, जो ब्रेन दमाग की झिल्लियां हैं मेम्ब्रेन्स हैं उनकी सोजिश जब हो जाती है और जो बैक्टीरिया हैं कास्टिक एजेंट हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाते हैं तो फिर ये कंडीशन आती है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद मैंने इसके अंदर को साफ साफ बता दिया कि इसका अब इलाज करना जो है वो कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये देखें एक तो सही तरह दिमागी तौर पर भी ठीक नहीं है और अगर हम इसका इलाज करें भी तो इसकी रिकवरी के चांस बहुत कम हैं। वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकें, अगर सूरत में हम आईवी फ्लूड भी देंगे तो वो भी इतना फाका नहीं है, उससे फ़ायदा नहीं है। तो आई होप कि अगर आपको इस तरह की सहायता आप बेहतर जान सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।